कोई मोटर चोरी कर लिया, कौन किया होगा मालूम नहीं है। अगर मोटर एक दो दिन हुआ भाई कोई चोरी कर लिया, सोच लो उसके दिल में ऊपर वाले का डर नहीं है, सोच का दुख रहा था। पक्का दवा खाया कि नहीं, तो कैसे सही हो गया। हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते सत श्री अकाल यू ब्यूटीफुल पीपल, तो की हाल चाल है आप सभी के। तो भाई साहब दो चार दिन से हम इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए, हमने रील्स बनाना मतलब स्टार्ट कर दिया। तो अगर आप लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया है तो फॉलो कर लें NB Vlog 07, हमारे 60,000 फॉलोअर कंप्लीट होने वाले हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, तो फॉलो जरूर कर लें। यस, और फॉलो करना तो लाइक वाइक भी करना भाई, मतलब रील्स वगैरह पोस्ट वगैरह बहुत इंटरेस्टिंग मतलब कोशिश कर रहा हूँ डालने के लिए। गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल चाल है? सुना हूँ आपके कुछ सब्सक्राइबर आए थे सुबह मिलने आपसे, कैसा लगा आपको? अच्छा लगता है। और क्या, चलो सही है, दवा वा खा लिए? चलो सही है। और भाई ये देखो, कल हमने रूम में अपना पोर्ट्रेट लगवाया था तो रूम बहुत ही प्यारा लग रहा है भाई, सच बताऊं ये फोटो सब लोग को पसंद आया, मस्त है। और हमारे घर के जो बचकाने लोग हैं सब लोग गए हुए हैं पढ़ने के लिए, लेकिन जीशान पता नहीं क्यों नहीं गया पढ़ने। मैंने सुना कि सुबह सुबह वो बहाना कर रहा था, मतलब बोल रहा था कि मेरा पेट दुख रहा है, लेकिन अभी उसका दुख नहीं रहा है जब स्कूल सब लोग चले जा चुके हैं। तो अभी जीशान के पास चलते हैं और देखते हैं कि क्या माजरा है, मतलब असली में दुख रहा था पेट कि मतलब नाटक कर रहा था। मुझे तो लग रहा नाटक कर रहा था क्योंकि सुबह से गेम खेल रहा है, जब से समीर और फैसल स्कूल गए हैं तब से उसका पेट नहीं दुख रहा है, देखते हैं भाई क्या असलियत है। हमारे मैक्सू को देख लो भाई, अपने स्विमिंग पूल में सो रहा है, इसको यहाँ ठंडा लगता ना एकदम, इसलिए इसी बेसिन में ही सोता है। मैक्स उठ जा बेटा, समय हो गए है बहुत। अम्मा सुनाओ, जीशान स्कूल नहीं गया है? क्यों नहीं गया? पेट पीड़ा था। सही बात है, सुना तो मतलब सही दुख रहा था पेट। सुना स्कूल जीशान नहीं गया? पेट दर्द करता। मतलब सही वाला कि नकली वाला? भाई साहब घर पे तो सभी लोग बोल रहे हैं कि उसका पेट दुख रहा था, लेकिन अभी घर पे है नहीं, खेलने गया है, तो इसका मतलब क्या है? दया पता लगाओ, अभी देखते हैं। ये देखो इधर कुछ खेल रहा है। ये बताए स्कूल क्यों नहीं गया? तबीयत खराब थी। थी? हाँ। तो अभी तो खेल रहा है। पेट दर्द हो रहा था। अब? अब क्या, अब खेल रहा हूँ और क्या? ए, सही बात, इसका पेट दुख रहा था? जाने। ए, सही बता। पूछो जाके। इसीलिए बोल रहा था। अच्छा। कहाँ तेरा पेट दुख रहा है रे? अब नहीं दुख रहा है ना, पूछो मम्मी से, अब्बू से पूछा, अब्बू ने पूछा था। मतलब पक्का दुख रहा था? पक्का पक्का। दवा वा खाया कि नहीं, तो कैसे सही हो गया? क्या भाई कह रहे? सच बता, झूठ मत। हाँ कह रहा हूँ। बहाना मार रहा था ना? हाँ क्या ठीक है, ठीक है रे। ये देखो, तो कल भी मत जाना। क्यों? कल भी दुखेगा ना। अच्छा। बहाना मार रहा था ना? हाँ। जाना दिन। चलो भाई, दूध का दूध और पानी पानी हो गया कि उसका पेट नहीं दुख रहा था, नाटक कर रहा था, तो मुझे पहले ही मालूम था। ऐसा सबने किया है बचपन में स्कूल ना जाने की वजह से, देखा। A few moments later. और फिलहाल भाई साहब हम आ गए हैं चौराहे पे, तौफीक के साथ बैठे हुए हैं। एक्चुअली हम लोग ना अपने जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं। एक्चुअली मेरी भी शादी हो चुकी है, तौफीक की भी शादी हो चुकी है, धीरे धीरे दोनों लोग एक दूसरे का सिचुएशन मतलब समझने लगे हैं। जानते ही हो शादी के बाद भैया जिंदगी एकदम ड्रास्टिकली चेंज होता है, मतलब पहले सिंगल रहोगे, घूमो फिरो इधर उधर रहो, और बाद में फिर घरेलू मतलब बातें, घर का भी देखना, बाहर का भी देखना, हर चीज देखना, तो वही तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि लाइफ कितने जल्दी बदल गया। पहले सोच लो हम लोग थे सिंगल, तो सिर्फ ये होता था कि शाम को मैच खेलने जाना है, ये करना है, वो करना है, अभी भी होता है। और अब सोचते हैं घर कैसे चलाना है, ये कैसे करना है, कहीं कोई पैसा बाकी है उसको कैसे देना है, मतलब
जो हम लोग के एज पे होंगे, जिनकी शादी हो चुकी है, वो हम लोग की फीलिंग समझ रहे हैं, है ना भाई? वही से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भाई इधर बैठ के, बस और कुछ नहीं, टाइम पास कर रहा है। अच्छा तौफीक, ये बता तेरे हिसाब से शादीशुदा जिंदगी सही है कि सिंगल वाली जिंदगी सही है? वैसे तो शादी करना भाई जरूरी है, हाँ। समझ रहे हो, लेकिन उसी तरह उसको निभाना जरूरी है। अकेले तो जिंदगी कटेगी नहीं, कट जाएगी, कोई काट नहीं पाएगा। अच्छा चल मुझे बता, शादी के दो फायदे और दो नुकसान। अभी तो एक महीना हुआ है। अच्छा, जितना भी एक्सपीरियंस है एक महीने में चल रहा है। अब जब बैचलर था, अकेले था, सबका एक्सपीरियंस बता दो। हाँ बता दो। एकदम खुल के आजादी जिंदगी जी रहा था, ना कोई पूछने वाला था कहाँ हो। अब फोन आता है चार बार, कहाँ हो, आओ नाश्ता कर लो, आओ खाना खा लो, ये कर लो, वो कर लो, टाइम से घर जाओ, सब टेंशन। तेरे साथ भी तो ऐसा हुआ है, और होता भी है। और भाई अब तो हम प्राउड फादर भी होने वाले हैं, अब तो और जिम्मेदारियां बढ़ गई, अब मेरे ऊपर भाई और रिस्पांसिबिलिटी मतलब हो गया मेरे लाइफ पे। सही है ना? मतलब पहले हस्बैंड बनो तो एक रिस्पांसिबिलिटी, और उसके बाद जब अगर फादर बन रहे हो तो भैया आपके पास दुगना तिगना रिस्पांसिबिलिटी है, क्योंकि आप एक फ्यूचर बनाने वाले हो, मतलब। हाँ और क्या, समझ रहे हो ना क्या? और भाई साहब फिलहाल हम घर पे आ गए और मैक्स हमारे साथ खेल रहा। मैक्स गुस्सा क्यों है तू? और यहाँ पे देखो निक्की बर्तन धो रही है। खाना खाए? आज भंडारा था घर में। वाह क्या बात, खा लिया खाना? खा लिया। चलो अच्छा, रुक रहे। अब्बा सुना हूँ मदरसे का कोई मोटर चोरी कर लिया, कौन किया होगा? मालूम नहीं है, कौन पता है। अच्छा ये बताइए, ऊपर वाले से डर नहीं लगता लोगों को? अरे डर लगता तो, अच्छा सही, डर लगता तो ऐसा काम क्यों करते? बताओ कर। इतना नहीं डर है कि मदरसे का कोई मोटर चोरी कर लिया? सोच लो भाई, हमारे गांव में मदरसा है, वहां पे पढ़ाई होता है, वहां पे मोटर लगा हुआ है बाथरूम वाथरूम के लिए, पानी के लिए, और वहां का मोटर एक दो दिन हुआ भाई कोई चोरी कर लिया। सोच लो उसके दिल में ऊपर वाले का डर नहीं है, सोच लो कि उसके लाइफ में क्या होगा क्या नहीं। बताओ मतलब ऐसी जगह का चीज चोरी कर लिया, क्या बताएं भाई, इस पे क्या बोले, मतलब शर्म से डूब जाए इंसान जाके कहीं। बताओ ऐसा कौन कर सकता है? अच्छा कैसे दिल में डर नहीं रहता ऊपर वाले का? बहुत ज्यादा जरूरत होगी, वही चोरी किया क्या, ज्यादा ज्यादा बेचा हुआ है, 1-2 हज़ार 3 हज़ार पाया होगा। अरे भाई इसको बहुत ज्यादा जरूरत है। उसको बद्दुआ कितनी लगी होगी ये सोचो, गुनाह, वही वही गुनाह कितना चढ़ा होगा सोच लो। और इंसान सोचता है कि हमारा गांव आगे बढ़े, ये सब हो, और हमारा गांव चोरी कर देना। बताओ मतलब पता नहीं अपने गांव का कोई चोरी किया कि बाहर का किया, ये तो नहीं पता ना, ये भी हो सकता कि बाहर का कोई। गांव में चोरी होती है, बुरी बात है भाई, बहुत बुरी बात है। और भाई साहब लास्ट शॉट जो आप लोगों ने देखा होगा ना, वो 6 दिन पहले का था, वो व्लॉग मैंने कंप्लीट नहीं किया था, तो पिछले 6 दिन से हमारा व्लॉग नहीं आया होगा, आप लोगों ने देखा होगा। एक्चुअली 6 दिन से मेरा जरा भी मन ही नहीं कर रहा था कैमरा उठाने का, इसलिए मैंने कैमरा रख दिया था साइड में, मैं कुछ कर ही नहीं रहा था, मतलब व्लॉग नहीं बना रहा था, मेरा मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना रहा था। तो अब मन कर रहा है, तो अब मैं शूट कर रहा हूँ प्रॉपरली, अब डेली व्लॉग आएंगे भाई। तो यस, थोड़ा सा मतलब मूड अच्छा नहीं था, इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना रहा था। एक्चुअली व्लॉगिंग ऐसा होता है ना, मन से आना चाहिए, वो जब जबरदस्ती करो ना तो मज़ा नहीं आता यार, वो गंदा सा वीडियो बनता है तो मज़ा नहीं आता, इसलिए हम व्लॉग नहीं करते। ये 6 दिन बाद रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब कंप्लीट हो रहा है व्लॉग। तो आई होप कि आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो, मतलब थोड़ा सा समझ सकते हो। और भैया नेक्स्ट व्लॉग में हम आप लोग को एक अपडेट देने वाले हैं। एक्चुअली अपडेट ये है, अभी नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा, कुछ अपडेट है। एक्चुअली मैं कहीं ट्रैवल करने वाला हूँ, यानी कि मैं और निक्की, यस, तो लोगों बताएंगे। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ठंडक आ गई है भाई। लगा फोटो खींच।